Hello students, today I am going to teach you English grammar subject and chapter number 9 है pronouns object form. अभी हमने subject form का pronouns बताया था, अब है object form. मैंने exercise number 1 अब जो पिछली जो video मैंने दे दी उसमें मैंने exercise number 1 बताया था. ये chapter बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ऐसा इस पेपर में जो दिया था वो लिख पाए नहीं तुम लोग बराबर, मैं उससे एक बार रिपीट करती हूँ. अब ये है एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दी. अब एक्सरसाइज नंबर 2 पर आते हैं. यहाँ लिखा हुआ है राइट, WRITE राइट दीज सेंटेंसेस अगेन यूजिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक्स. अब क्या है, हमें जो दिया गया है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की जगह पे हमें जो बताया गया है इटैलिक्स वो उसके मुताबिक लिखना है. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, जैसे डिक प्लेज क्रिकेट. अब जैसे डिक क्रिकेट है उसकी प्लेस पर हम क्या लिखें, इंस्टेड ऑफ यू क्रिकेट इसकी जगह पे लिखेंगे इट. ये क्या है, प्रोनाउंस है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है. क्रिकेट को दोबारा नहीं लिखेंगे बट इसकी जगह पर लिखेंगे इट. डिक प्लेज क्रिकेट, आंसर लिखेंगे डिक प्लेज इट, यानी क्रिकेट के प्लेस पर क्या लिखेंगे इट. डिक प्लेज इट. नंबर 2, वी ऑफन सी आवर फ्रेंड्स. वी ऑफन सी आवर फ्रेंड्स, आंसर में लिखेंगे वी ऑफन सी धेम. आवर फ्रेंड्स की जगह पे लिखेंगे धेम. आवर फ्रेंड्स निकाल देंगे उसके प्लेस पर, इंस्टेड ऑफ आवर फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे धेम. We often see them. Number 3, the letter is from Mala. The letter is from Mala. यहाँ है माला है, इसकी प्लेस पर हम लिखेंगे her. The letter is from Mala. हम लिखेंगे the letter is क्या है, the letter is from her. The letter is from हर. माला की जो प्लेस पर हम लिखेंगे हर लिखेंगे, वही का वही रखेंगे सेंटेंस, बट क्या है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट करने वाले है जिस पर काम हो रहा है, द लेटर इज फ्रॉम माला, तो उसकी जगह लिखेंगे हर. नंबर 4, आई नो अशोक. अशोक है, आई नो अशोक, तो हम उसकी प्लेस पर क्या लिखेंगे, आई नो हिम. क्या होगा, आई नो हिम. अशोक है इसलिए उसकी प्लेस पर लिखेंगे हिम, आई नो हिम. नंबर 5, प्लीज रीड दिस स्टोरी. ये दिस स्टोरी है तो हम लिखेंगे इसकी प्लेस पर प्लीज रीड इट. क्या लिखेंगे, प्लीज रीड इट. नंबर 6 है, आई शेल राइट अ लेटर. क्या है, आई शेल राइट अ लेटर, तो हम क्या लिखेंगे कि किसके लेटर जो है लास्ट में उसकी जगह पर हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इट, तो लिखेंगे आई शेल राइट इट. क्या लिखेंगे, आई शेल राइट इट. नंबर 7, राम पुट अ पेन ऑन द टेबल. क्या है, राम पुट अ पेन ऑन द टेबल. अब लिखेंगे राम पुट अ पेन ऑन इट, द टेबल के प्लेस पर लिखेंगे इट. राम पुट अ पेन ऑन इट, राम पुट अ पेन ऑन इट. नंबर 8, डू दैट वर्क क्विकली. तो क्या लिखेंगे, डू द वर्क दैट वर्क प्लेस पर लिखेंगे इट, डू इट क्विकली. क्या लिखेंगे, डू इट क्विकली. नंबर 9, ही इज कॉलिंग द डॉग्स. लिखेंगे ही इज कॉलिंग द डॉग्स है, उसकी जगह हम लिखेंगे धैम.
he is calling them. Number 10, Sam writes to Mary. Sam writes to Mary. Sam writes to her. क्या होगा? Sam writes to her. अब यहाँ है, give your father this message. Give your father this message. Give your father it. क्या होगा? Give your father it. Call रेखा to my class. अब इसमें ऐसा भी होगा, क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई टू मी, उसे क्या है, माई क्लास के प्लेस पर हम लिखेंगे टू मी, यानी कॉल रेखा, रेखा को कॉल रेखा टू माई क्लास, तो कॉल रेखा टू मी, ऐसा भी हो सकता है कॉल रेखा टू मी, या तो कॉल हर टू माई क्लास, कॉल रेखा टू मी, और ऐसा भी लिख सकते हैं कॉल रेखा, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट है तो टू क्लास है तो टू मी आएगा, या तो कॉल हर टू माय क्लास. नाउ वी कम टू चैप्टर 10, हुज इज इट, किसका है ये, किसका है, हुज इज इट. 10 नंबर पर आते हैं, यहाँ पर है लर्न दिस फॉर्म्स. माय का माइन होगा, अवर का अवर्स होगा, का योर्स होगा, इसका हिज, हर, हर्स, धैर, धैर्स, माय, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, धैर, धैर्स. स्टडी दीज सेंटेंसेस, ये सेंटेंस को स्टडी करना है, इसमें क्या बताते हैं. नंबर 1, दिस इज माय बुक, दिस बुक इज माइन, माई का क्या बनेगा, माइन. दिस इज माई बुक, अब यहाँ माई नहीं लिखेंगे, ये मेरी बुक है, दिस बुक इज, यानी ये बुक मेरी है, दिस इज माई बुक, ये बुक, ये है मेरी बुक है, दिस बुक इज माइन, अगर जब माई हो तो वहाँ लिखेंगे माइन. इट इज हिज बुक, वो उसकी बुक है, इट इज हिज, क्या है, इट इज हिज. नंबर 3, इट इज योर बुक, अपने शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इट इज योर्स. 4 नंबर, दे आर हर बुक्स, बट क्या लिखेंगे, दे आर हर्स, वो उनकी है. नंबर 5, इट इज देयर गार्डन, इट इज देयर्स, क्या बोलेंगे, इट इज देयर्स. तो ये स्टडी बताइए करने का सेंटेंस को, तो ये क्या है, हम फिर से बोलेंगे, पहले फिर से रिपीट करेंगे वंस अगेन. नंबर 1, दिस इज माय बुक, दिस बुक इज माइन. 2 नंबर, इट इज हिज बुक, इट इज हिज. 3, इट इज योर बुक, इट इज योर्स. 4 नंबर, दे आर हर बुक्स, they are hers. 5 number, it is their garden, it is theirs. अब स्टडी करके सेंटेंस को हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पर, इसके सेम ही करना है हमको. अब यहाँ है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर, और क्या है, देयर से हमें इसको फिलअप करना है ब्लैंक्स को. यहाँ पर है नंबर 1 है, दोज हुज बुक्स आर दीज, ये क्या है, हुज बुक्स आर दीज, ये किताबें किसकी हैं, तो ये हम बोलेंगे दे आर माई बुक्स, ये जो बुक्स हैं वो मेरी है, दे आर माई बुक्स. अब यहाँ क्या लिखेंगे शॉर्ट में, दे आर माइन, क्या लिखेंगे, दे आर माइन, ये मेरी है. Whose books are these? They are my. My books के लिखेंगे they are mine. Number 2, whose car is that? क्या है वो कार, किसकी है? It is their car.
तो भी लिखेंगे भाई इट इज देयर्स, ये उनकी है, इट इज देयर्स। नंबर थ्री, हुज हाउस इज दैट, वो घर किसका है, इट इज आवर हाउस। क्या पहले आंसर लिखेंगे, इट इज आवर हाउस, फिर लिखेंगे इट इज आवर्स, ये हमारा है, फिर हाउस नहीं लिखेंगे, ओनली लिखेंगे इट इज आवर्स। नंबर फोर, हुज बैट इज दिस, ये किसका बैट है, इट इज हर इज बैट, इट इज हर इज बैट। क्या लिखेंगे, इट इज हिज, ये उसका है, इट इज हिज। नंबर फाइव, हुज फ्रॉक इज दैट, वो फ्रॉक किसका है, इट इज सीताज फ्रॉक। अब यहाँ सीता लिखा हुआ है, हम लिखेंगे इट इज हर्स, क्या होगा, इट इज हर्स, यानी हुज फ्रॉक इज दैट, वो फ्रॉक किसका है, तो सीता का है, तो सीता की जगह पे उसको क्या लिखेंगे, हर्स, उसका प्रोनाउंस लिखे, उसका क्या है, नाउन की जगह यूज करते हैं, उसको प्रोनाउंस कहते हैं। अब सीता है तो यहाँ सीता फ्रॉक निकाल के लिखेंगे हर्स, इट इज हर्स। नंबर सिक्स, हुज बैग इज दिस, इट इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। अब लिखेंगे इट इज योर्स, क्या लिखेंगे, इट इज योर्स। हुज बैग इज दिस, इट इज योर बैग, इट इज योर्स। नंबर सेवन, whose shirts are these, whose shirts are these, they are my shirts, they are my shirts। अब यहाँ लिखेंगे they are mine, my है तो लिखेंगे mine। whose shirts are these, they are my shirts, बट क्या लिखेंगे, माँ है तो लिखेंगे माइन, दे आर माइन, क्या होगा, दे आर माइन। नंबर एट, हुज बैग्स आर दोज, क्या है वो बैग्स किसके हैं, दे आर आवर बैग्स, क्या होगा, दे आर आवर बैग्स, बट क्या है, हम लिखेंगे तो शॉर्ट में दे आर आवर्स, दे आर आवर्स, आवर बैग नहीं लिखेंगे बट क्या लिखेंगे, दे आर आवर्स। नंबर नाइन, हुज ऑर्डर्स आर दीज, दे आर द किंग्स ऑर्डर्स, क्या होगा, दे आर द किंग्स ऑर्डर्स। तो यहाँ पर है दे आर हिज, अब किंग्स ऑर्डर रखा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ओनली दे आर हिज, दे आर हिज, उसका ऑर्डर है, तो हुज ऑर्डर्स आर दिज, दे आर द किंग्स ऑर्डर्स, यहाँ लिखेंगे दे आर हिज, क्या लिखेंगे, दे आर हिज। नंबर टेन, हुज प्रॉपर्टी इज दिस, इट इज देयर प्रॉपर्टी, हुज प्रॉपर्टी इज दिस, इट इज देयर प्रॉपर्टी, अब देयर की जगह क्या लिखेंगे, theirs, इट इज theirs, क्या लिखेंगे, इट इज theirs। हुज प्रॉपर्टी इज दिस, आंसर लिखेंगे इट इज देयर प्रॉपर्टी, बट अपने यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज theirs। एक्सरसाइज नंबर टू, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स with belong to, belong to लिखना है, फिर बाद में और क्या लिखना है, me, us, you, him, her और them correctly, ये जो blanks है, belongs to लिखना है और क्या लिखना है, me, us, you, him, her और them correctly। इसमें क्या है, the first one इज डन फॉर यू, बिलोंग्स करता है यानी उससे ताल्लुक रखता है, तो द फर्स्ट बताया गया है, यहाँ है वन में है, दैट कार इज दैट्स, क्या है ये उनकी कार है, द
तो आप लिखेंगे इट बिलोंग, किससे बिलोंग रख, किससे ताल्लुक रखती है, इट बिलोंग्स टू धैम, देर से होगा वहाँ क्या बन जाएगा, धैम, तो दैट कार इज देयर्स, तो इट बिलोंग्स टू धैम, क्या लिखेंगे, इट यहाँ पर लिखा है बिलोंग्स टू लिखना है और साथ में इसके मी अस यू हिम हर और धैम क्या है इसमें साथ में लिखना है, तो ये करेक्टली साथ जोड़ना है, यहाँ है दैट कार इज देयर्स, हाँ इट बिलोंग्स टू धैम, अब देयर से है वहाँ क्या लिखेंगे, धैम, ये क्या है उनसे बिलोंग्स करता है, ताल्लुक रखती है। नंबर टू है दीज बुक्स आर माइन, ये बुक्स मेरी है, अभी किससे ताल्लुक रखती है, दे बिलोंग्स टू मी, जहाँ माइन होगा वहाँ क्या लिखेंगे, मी, यानी क्या है ये बुक्स मेरी है, दे बिलोंग्स टू मी, अब जहाँ माइन होगा वहाँ क्या लिखेंगे, मी, जैसे यहाँ देर सा तो देम लिखा, अब यहाँ माइन है तो लिखेंगे मी, दीज बुक्स आर माइन, दे बिलोंग्स टू मी, यानी माइन की प्लेस पर क्या लिखेंगे, me, they belongs to me. Number three, that house is ours. वो घर हमारा है, तो क्या लिखेंगे ours की जगह पे, it belongs to us. वो क्या है हमसे belongs करता है, तो that house is ours, जहाँ ours होगा वहाँ us लिखेंगे, इट बिलोंग्स टू अस, क्या लिखेंगे, इट बिलोंग यहाँ अवर्स है तो यहाँ लिखेंगे अस, तो इट बिलोंग्स टू अस, जैसे माइन का मी फिर अवर्स का अस, अब देखते हैं आगे क्या होता है, यहाँ बताया था देयर्स का धैम हुआ, माइन का मी हुआ, अवर्स का अस हुआ। नंबर फोर, दिस प्रॉपर्टी इज theirs, ये क्या है, जो ये प्रॉपर्टी है सब किसकी है, उनकी है, इट बिलोंग्स टू them, अब यहाँ theirs का क्या हुआ, them हुआ, ये किससे बिलोंग करते हैं, तो इट बिलोंग्स टू them, their का क्या होगा, them, इट बिलोंग्स टू them. नंबर फाइव, those shirts are yours, जो शर्ट्स हैं वो तुम्हारे हैं, दे बिलोंग्स टू यू, जहाँ योर्स होगा वहाँ क्या रखेंगे, यू, ये किससे बिलोंग्स करता है, तुमसे बिलोंग्स करता है, तो इट बिलोंग्स टू यू, दोज शर्ट्स आर योर्स, दे बिलोंग्स टू यू। नंबर सिक्स, That computer is hers. वो कंप्यूटर उनके हैं, It belongs to her. ये hers का क्या लिखेंगे, her. तो that computer is hers. It belongs to her. Hers है इसलिए यहाँ her बनेगा, s निकल जाएगा, तो ऐसे लास्ट का याद रखने का है हमें, theirs का them होगा, mine का me बनेगा, जहाँ अवर्स होगा वहाँ अस लिखना है, देर से है वहाँ देम लिखना है, योर से है वहाँ यू, और जहाँ हर से है वहाँ लिखेंगे हर, तो दैट कंप्यूटर इज हर्स, इट बिलोंग्स टू हर, हर्स का क्या होगा, हर, इट बिलोंग्स टू हर। नंबर सेवन, दीज बैग्स आर देयर्स, देखें यहाँ देयर्स आया तो क्या होगा, ये बैग्स हैं उनके हैं, दीज बैग्स आर देयर्स, तो जहाँ देयर्स होगा वहाँ हम लगाएंगे, किससे बिलोंग लिखेंगे आगे, दे लिखेंगे, दे तो लिखेंगे, दे बिलोंग्स टू देम, जहाँ पर कंप्यूटर था या जो जिसमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग है, वहाँ पर इट लगाएंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी बैग्स है पर एक से ज्यादा है, ये प्लूरल है, इसके लिखेंगे दे दीज बैग्स की प्लेस पर दे बिलोंग्स टू देम, बिकॉज यहाँ देयर से है तो यहाँ लिखेंगे देम, जैसे माइन का मी हुआ, इट का इसका है, यानी अवर्स का अस हुआ, देयर्स का देम हुआ,
योर्स का यू हुआ, हर्स का हर, देयर्स का देम। अब यहाँ पर है दो दीज बैग्स आर देयर्स, दे बिलोंग्स टू देम। नंबर एट, दिस ऑफिस इज माइन, ये ऑफिस मेरी है, इट बिलोंग्स टू मी, ये मुझसे बिलोंग्स करती है, इट बिलोंग्स टू मी। नंबर नाइन, दिस बेड इज हिज, ये बेड उसका है, इट बिलोंग्स टू हिम, क्या होगा, इट बिलोंग्स टू हिम। नंबर टेन, दैट स्कूटर इज योर्स, इट बिलोंग्स टू यू, क्या है, दैट स्कूटर इज योर्स, इट बिलोंग्स टू यू।